हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, कई सारे एग्जाम्स हैं। अब मान लीजिए आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसके बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या डिफरेंस है कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच, तो वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। देखिए, UPSC से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम कैबिनेट की बात करें, जब कैबिनेट ये जो वर्ड है, ये जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ये कैबिनेट वर्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था, उसमें एक परिवर्तन किया गया आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 के हिसाब से क्या है, ये सिंपल सा ये मेंशन करता है अबाउट नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं केस, मान लीजिए कोई आर्म्ड रिबेलियन है। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन है, या फिर दूसरा जो केस है वो ये है कि एक्सटर्नल एग्रेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। अब जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें जो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई वो ये है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी लगेगी, वो प्रेसिडेंट तभी लगा सकते हैं जब कैबिनेट रिटर्न में प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। तो इस समय ये कैबिनेट वर्ड यूज़ हुआ था, और ये जो वर्ड है पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था। दूसरी अगर हम बात करें वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशनड है। अगर आप देखते हैं आर्टिकल 74, तो आर्टिकल 74 में ये मेंशनड है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट वर्क करेंगे कैसे, बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मेंशनड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वहीं अगर आर्टिकल हम 75 की बात करें, तो आर्टिकल 75 मेंशन करता है कि किस तरीके से जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट होंगे। साथ में अगर हम देखें उनका ओथ जो है वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 75 में मेंशनड है। तो देखिए, जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, ठीक है, जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात करते हैं, तो इसमें मेनली कौन होते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स जो हैं वो होते हैं। अब ये जो मिनिस्टर्स हैं, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है, 1, 2 और 3, तीन कैटेगरीज हैं। पहले जो कैटेगरी है उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरी जो कैटेगरी है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी और हो जाती हैं, एक को इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाता है, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाएगा, या फिर कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए जो है वो अपॉइंट होता है। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें वो है डेप्टी मिनिस्टर्स, तो पहली जो कैटेगरी है वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये भी क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होते हैं, और इनसे मिलकर कैबिनेट बनती है। इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, और ये जो है कैबिनेट को फंक्शन के लिए, कैबिनेट को मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो चाहिए होते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कैबिनेट को जो फंक्शन करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है वो प्रोवाइड किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा, और इसका जो हेड होता है इसको हम बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। अब क्या होता है कि मान लीजिए जो ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं सिविल सर्विस के। आप ये भी कह सकते हैं कि सिविल सर्विस के जो एक तरीके से जो हेड है वो कौन है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी से रिलेटेड जो डिसीजंस वो ये लेते हैं। अब देखिए, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स बेसिकली क्या है, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। इनको अलग अलग पोर्टफोलियो जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी के कैबिनेट मिनिस्टर्स अलग अलग हैं, है ना, राजनाथ सिंह है, होम मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी हैं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अगर हम बात करें सुषमा स्वराज हैं जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, अरुण जेटली हैं, ठीक है, अरुण जेटली हैं वो मिनिस्टर ऑफ
फाइनेंस हैं, मेनका गांधी हैं, मेनका संजय गांधी जो कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि अगेन पार्टिसिपेट करेंगे कैबिनेट मीटिंग में, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो पॉलिसी वाली जी कोई बिल है, ठीक है, कोई बिल है जो कि पास किया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है, जो कि पास किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो ये जो बिल, कौन सा बिल पास होगा, इसके क्या प्रोविजंस होंगे, ये सारी चीज़ें किस में डिसाइड की जाती है, जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, उस कैबिनेट की मीटिंग में किसी भी किस बिल को इंट्रोड्यूस करना है या कुछ चेंजेस लेके आना है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो डिसाइड होता है, और फिर जो है इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होती है। देखिए, जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये असिस्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, मतलब जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए या मान लीजिए डिप्टी मिनिस्टर्स हो गए, इनके द्वारा ये असिस्ट किए जाते हैं। सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, देखिए सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये कैबिनेट मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकते हैं, और ये जो कैबिनेट मीटिंग है ये अगेन समन किसके द्वारा की जाती है, ये समन की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट जो अगर हम कैटेगरी देखें वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगेन उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल सकता है, या फिर किसी भी मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर एक होगा और फिर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। तो ये इनको हम कह सकते हैं सेकेंड रैंक मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इन जनरल अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट चार्ज इनको नहीं मिलता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जब प्राइम मिनिस्टर को अगर लगता है तो इंडिपेंडेंट चार्ज भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं किसी एक मिनिस्टर को, ठीक है। अब ऐसे केस में जब इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है तो उसमें मान लीजिए एक मिनिस्ट्री है, उसमें पहले कैबिनेट मिनिस्टर होगा और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। तो इंडिपेंडेंट चार्ज का ये मतलब है कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उस मिनिस्ट्री को देख रहा है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन है। अब ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन में कि किसको जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट जो चार्ज है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, वो प्रोवाइड करना है। अब देखिए, ये मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट हैं, ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, जो कैबिनेट की ये जो मीटिंग होती है उसको अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इनको इन्वाइट किया जाता है, ठीक है। अगर इनको इन्वाइट किया जाता है तो फिर ये उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। बट इन जनरल जैसे मान लीजिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो जब समन किए जाते हैं तो वो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करते हैं, है ना, उनके पास ये राइट है कि वो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स तभी अटेंड करेंगे जब उन्हें प्रॉपर इन्विटेशन दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है वो मीटिंग को अटेंड करेंगे। अब देखिए अगर हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो जैसे राव इंद्रजीत सिंह जो कि अगेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के लिए, ठीक है। और तो साथ में क्या है कि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र। अब ये जो राव इंद्रजीत सिंह हैं, इनको एक मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, और एक मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें इनको मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर है और उसके नीचे ये काम कर रहे हैं सेकेंड रैंक मिनिस्टर की तरह। वो कौन सी मिनिस्ट्री है, जो ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे महेश शर्मा, उनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसमें वो नॉर्मल मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनको एक मिनिस्ट्री में इंडिपेंडेंट चार्ज है, मतलब उस मिनिस्ट्री को वो पूरे तरीके से संभाल रहे हैं, और एक मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब वो सेकेंड रैंक मिनिस्टर हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है। जैसे नेक्स्ट जैसे हम एग्जाम्पल लें तो SS अहलुवालिया, ठीक है, ये जो है SS अहलुवालिया जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें इनको जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक दी गई है। तो इस तरीके से जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं,
नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है डेप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है, डेप्टी मिनिस्टर्स। डेप्टी मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है जूनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं, सबसे जूनियर होते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या हैं, सीनियर मोस्ट होते हैं, तो ये जूनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं। इनको कभी भी, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कभी भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं किसी भी मिनिस्ट्री का या किसी भी डिपार्टमेंट का। और इवन जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें भी इनको इनवाइट नहीं किया जाता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इनवाइट किया जाता है लेकिन डेप्टी मिनिस्टर्स को इनवाइट किया नहीं जाता है। तो अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके पास तीन हायरार्की है, कैबिनेट हो गया, ठीक है, MOS हो गया, और फिर जो है डेप्टी मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है। इनसे मिलकर जो है बनता है कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। और इसको ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट सारे पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, मतलब मान लीजिए किसी कब मीटिंग रखनी है या किसी पॉलिसी का जो मान लीजिए मीटिंग का एजेंडा रखना है ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो चाहिए होता है तो वो किसके द्वारा दिया जाता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा। और इसका हेड कौन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये चीज़, ये सारे पॉइंट्स जो है हमें पता होना चाहिए। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर कौन अपॉइंट हो सकता है, ये भी एक हमें जानने की ज़रूरत है। देखिए कोई भी आदमी जो है उसको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि इसको जो है मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपकी एज है कि आप जो है मान लीजिए कि लोकसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल हैं, तो इवन आपको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्रोवाइडेड आप विद इन सिक्स मंथ जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब या तो आप राज्यसभा के मेंबर बन जाएं या फिर आप लोकसभा के मेंबर बन जाएं। यहाँ अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो भी आप मतलब जो है मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ मेंशन भी की गई है आर्टिकल 75 सेक्शन 5 में, ये चीज़ मेंशन भी की गई है। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए, है ना। तो 15% ऑफ कितने मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा है ना, हाउस ऑफ पीपल है, उसमें कितने मेंबर हैं, उसके 15% इससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ नहीं होनी चाहिए। ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है जो अगेन जो स्टेट असेंबलीज हैं उसमें भी ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, 91st जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि अगेन 2003 में आया था। देखिए दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है जो कि मेंशनड है आर्टिकल 88 में, है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको चूज़ किया जा सकता है किसी भी हाउस से, और जो मिनिस्टर है जो कि मेंबर है किसी एक हाउस के, उनके पास ये राइट है, क्या ये राइट है कि वो दोनों ही हाउस में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस समय स्पीक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वोट करना है तो वोट वो उसी हाउस में कर सकते हैं जिस हाउस के वो मेंबर हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है ना। मान लीजिए कोई मिनिस्टर है वो राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। कोई अगर इशू है, कोई क्वेश्चन मिनिस्टर किसी मेंबर के द्वारा पूछा जा रहा है तो उसको आंसर दोनों ही हाउस में वो कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है वोट करने की, हाउस में वोट करने की, तो वो सिर्फ राज्यसभा में ही वोट कर सकते हैं, लोकसभा में वोट नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चंस भी बहुत अलग अलग तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कोई भी स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 88 के बारे में आपसे पूछ सकता है ना, जो कि अगेन मेंशन करता है कि जो मिनिस्टर हैं उनको राइट टू वोट जो है ऐसे हाउस में नहीं है, उस हाउस में नहीं है जिसके वो मेंबर नहीं है। ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 75 सेक्शन 5 के बारे में पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल
ये स्टेटमेंट लिखा आ सकता है कि कोई भी है वो मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है प्रोवाइडेड वो 6 मंथ के विदिन दोनों ही हाउस में से किसी में भी मेंबर बन जाते हैं। तो ये फैक्ट्स भी हमें पता होना चाहिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 2003 में आया था, उससे भी रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे मन में कन्फ्यूजन भी रहते हैं, इसलिए ये ज़रूरी था कि हम इस पर डिस्कशन करें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।